Hi guys, assalamu alaikum, it's Maryam Adeel and welcome back to my YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे आप घर पर ही herbal face wash powder या skin whitening powder बना सकते हैं और इस powder को आप as a skin polisher के तौर पे भी use कर सकते हैं. ये face wash herbal powder आपकी skin के आपकी complexion को bright करेगा, साथ ही आपके skin को exfoliate करने के लिए बहुत जबरदस्त product है, क्योंकि मैंने इसमें जो जो चीजें use की है वो आपकी skin को enhance करेंगे, quality आपकी skin की अच्छी करेंगे, पिंपल्स और एक्ने को प्रिवेंट करेंगे, ऑयली स्किन को ऑयल खत्म करेंगे, सीबम खत्म करेंगे, अगर टैनिंग है, सनबर्न है तो उसको भी बहुत रिमूव करेंगे. तो इसको रेगुलर बेस पे एज अ फेस वॉश के तौर पे यूज करें आप इसे. और अगर आप मार्केट का कोई फेस वॉश या कोई भी हर्बल पाउडर यूज करते हैं तो ये उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. सबसे पहली बात है, ये एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है. कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट लेते हैं ये उससे कम ही बजट में बन जाएगा, साथ ही ट्रैवल फ्रेंडली है. उसके बाद मैं अगर आपको मेरी बातें टाइम ऑफ वेस्टिंग लगती, अगर आपको ये चीज इस पे बिलीव नहीं है तो आप इसको एक दफा बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा. जब से मैंने ये चीजें डीआईवाई यूज करने शुरू किए मैंने मार्केट की तरफ रुख ही नहीं किया, चाहे वो फेस वॉश हो या किसी भी तरह की कोई क्रीम्स हो या हेयर वगैरह की कोई प्रोडक्ट. तो गाइज इसको जरूर बनाइएगा, बना के जरूर यूज कीजिएगा और इसका रिव्यू मुझे जरूर दीजिएगा. और चलें बढ़ते हैं इसकी मेकिंग की तरफ. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयरिंग जरूर कीजिएगा. तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इसकी मेकिंग. इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी लोबिया की, व्हाइट वाले लोबिया जिसे हम आई बीन्स कहते हैं, ब्लैक आई बीन्स. एक रेड वाले होते हैं लेकिन हमें व्हाइट लेने हैं. तो ये व्हाइट वाले लोबिया हम ले लें. आप यहाँ जब आप लोबिया को आप लेंगे तो आपको एक चमक नजर आएगी, एक शाइन नजर आएगी लोबिया के ऊपर, एक कवर हुआ हुआ होगा. वही शाइन वही चमक आपको स्किन पे आपकी ये प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को देगा ये. तो इसे हमें सबसे पहले ग्राइंडर की हेल्प से पाउडर बनाना है. तो हम ग्राइंडर की मिक्सी के जो जार है उसमें हमें 3 स्पून इसके लोबिया इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 इसमें मैंने ऐड कर दिए. उसके बाद यहाँ मैंने ली है ग्रीन टी. ग्रीन टी हमारी स्किन को की बहुत भरपूर होती है एंटीऑक्सीडेंट से, तो हमारी स्किन को ऑक्सीडाइज करेगी, जितने भी टॉक्सिन है उनको स्किन से रिमूव करके हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करके न्यू स्किन की सेल्स को प्रोमोट करेगी. तो यहाँ मैं बराबर ही मैंने यहाँ ग्रीन टी ले लिए. अगर आपके पास ये ग्रीन टी ना हो खुली भी और टी बैग्स हो तो 2 टी बैग्स आपको इसमें इंक्लूड करना है. उसके बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, फाइन पाउडर बना लेना है. यहाँ आप देख सकते हैं टेक्सचर है पाउडर का वो क्या है, बिल्कुल फाइन बारीक एकदम पाउडर ले लेना है. तो सबसे पहले हमें एक क्लीन बाउल लेना है इसकी प्रोसीजर में मिक्सिंग के लिए. यहाँ मैंने लिए फुलर अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी. तो मुल्तानी मिट्टी बेस है हमारी. मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को डीप क्लीन करती है, पोर्स के अंदर जितनी भी डर्ट और पोल्यूशन से हमारे पोर्स ओपन होने के बाद बहुत उनका साइज बड़ा हो चुका है, उसको क्लीन करके हमारे पोर्स को श्रिंक करेगी, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करेगी, सीबम रिमूव करेगी. उसके बाद यहाँ मैंने ले लिए रोज पेटल्स के को मैंने यहाँ ग्राइंडर में चलाकर इसको एक धुरधुरा सा पाउडर बना लिया है. बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना क्योंकि ये एक्सफोलिएट का काम करेगी हमारी स्किन पे. तो मैंने थोड़े से रोज पेटल्स लिए थे, उन्हें ड्राई कर लिया है. उसके बाद मैंने घर में ही मिक्सी में डाल के इसको पीस लिया है. अगर आपके पास मार्केट का रोज पेटल पाउडर है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. यहाँ मेरे पास ये 2 स्पून पाउडर है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी. ये आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, इसमें विटामिन सी से ही लोडेड होता है. ये मेरे पास फाइन पाउडर है इसी का, तो अगर आपके पास मार्केट का फाइन पाउडर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं. यहाँ मैं थोड़ा सा फाइन पाउडर डाल रही हूँ, बाकी मैंने ये थोड़ा सा मोटा मोटा जो पाउडर है वो इसमें इंक्लूड किया है. इसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर. आपके पास कोई भी मिल्क पाउडर हो या फुल क्रीम होना चाहिए, वो फुल क्रीम मिल्क पाउडर यहाँ मैंने लिया है, जो बहुत मशहूर एक ब्रांड है, हर घर में वो यूज़ होता है. वो मैंने इसमें 2 स्पून डाल दिया है. लेकिन अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालें, लेकिन ये ऑयल पर आपका ऐसा कोई काम नहीं करेगी, बस आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा ये दूध. तो वो मैंने डाल दिया. अब इसमें मैंने ऐड किया है चावल का आटा यानी राइस फ्लावर. तो राइस फ्लावर की जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 स्पून भी डाल सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास राइस पाउडर नहीं है तो आप जस्ट लोबिया का यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास लोबिया भी नहीं है तो आप सिर्फ राइस पाउडर का यूज़ करेंगे. और अगर ये दोनों नहीं है तो आप इन दोनों को छोड़ के आप सिर्फ इसके अंदर ग्रीन टी का यूज़ भी कर सकते हैं. लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें आप इसमें ऐड करते हैं तो आपकी स्किन को ये आपकी स्किन के टेक्स्चर को अच्छा करेगी, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, एंटी एजिंग के तौर पर काम करेगा, क्योंकि राइस फ्लावर का आपको मालूम है कि वो कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स में भी यूज़ हो रहा है. तो ये आपके स्किन को
कि जो सेल्स हैं न्यू सेल्स को प्रोमोट करेगी, आपके स्किन में इलास्टिसिटी को बढ़ाएगी, कोलेजन प्रोडक्शन को करेगी। तो इसको आपने इसी तरह से बना लेना है, क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है वही क्वांटिटी आपने रखनी है, और इसको इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छा सा एक और मिक्स हमें देना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक दूसरे में मर्ज हो जाए। तो यहाँ ये हमारा हर्बल फेस वॉश पाउडर बनके तैयार हो चुका है। ये मैं एक जार में भर के रख लूँगी, इसे आप अपने वॉशरूम में रखिए और रेगुलर बेस पे मॉर्निंग में नाइट में आप अपने फेस को इसे वॉश कीजिए। यकीन जाने जब आप इसको इस पर स्विच करेंगे, इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे दूसरे प्रोडक्ट से, मार्केट के प्रोडक्ट से, तो आप इसके फैन हो जाएंगे। आपका दिल ही नहीं जाएगा कि मार्केट के कोई और प्रोडक्ट या कोई और फेस वॉश वगैरह आप यूज़ करें। जब से मैंने इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया है, मेरा दिल ही नहीं चाहता मार्केट की केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ करने का, क्योंकि वो हार्श केमिकल कहीं ना कहीं जाकर हमारे स्किन पे साइड इफेक्ट जरूर दिखाते हैं, और इन चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैंने एक और फेस वॉश पाउडर की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की हुई, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी देखें, और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी बनाएं, उसका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको यूज़ कीजिए और एक बेनिफिशियल सा स्किन पर लुक देखिए, यूथफुल। अगर आप चाहें इसको वाइटनिंग पैक के तौर पे भी अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर योगर्ट मिला सकते हैं, उसको मिलाने के बाद इसका पेस्ट बनाइए और वो अपने फेस पे आप मास्क के तौर पे लगा लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑयली है तो आप इसके अंदर योगर्ट या दही दूध का इस्तेमाल ना करें, इसके अंदर आप जस्ट रोज वाटर ऐड करें, इसका एक पेस्ट बनाएं मास्क के तौर पे और उस पैक को अपने फेस पे लगा लें 15-20 मिनट्स के लिए। तो गाइज ये बहुत ही बेनिफिशियल सा फेस वॉश पाउडर आपके लिए बनकर तैयार हो चुका है। इसको लगाइए, टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं, लड़के लड़कियां सब यूज कर सकते हैं इसको। इसको यूज कीजिए और इसका रिजल्ट देखने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके कॉमेंट मुझे एज यू नो मोटिवेट करेंगे, तो जरूर मुझे इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।